की मदद से 3 इनामी आरोपियों को पकड़े, 2 को कोर्ट में पेश किया, तीसरे को छोड़ा, जिनमें 1,000 के 2 आरोपी और 4,000 के 1 आरोपी। सिविल लाइन पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 1,000 रुपए के 2 आरोपी, 4,000 रुपए का 1 आरोपी पकड़ा, 1,000 रुपए का 1 आरोपी को छोड़ा, वहीं 2 को कोर्ट में पेश किया। रीवा पुलिस लगातार आदतन अपराधियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। जिले के सारे थाने पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद एक्टिव मोड पर हैं। रीवा पुलिस भी इसको लेकर एक्टिव मोड में है। रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 3 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसमें से एक पर 1,000 का इनाम, दूसरे पर भी 1,000 का इनाम, तीसरे पर 4,000 रुपए का इनाम था। तीसरे आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर के कागजात पेश किए थे, इसलिए उसको बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस इनामी आरोपियों की धरपकड़ को लेकर लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान की कड़ी में एसटीएफ की मदद से पुलिस ने 3 आदतन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज थे, जिसके चलते उनकी इस तरीके से गिरफ्तारी हुई। सिविल लाइन पुलिस ने यह कार्रवाई जबलपुर एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर की। थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ जबलपुर से भी हमने संपर्क किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए, जिसके चलते आरोपी शुभम पांडे को पकड़ा गया। आरोपी पर पुलिस ने 1,000 का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं दूसरे आरोपी कमलेश पटेल उर्फ बब्बू निवासी नागौद जिला सतना को भी पकड़ा गया, जो 4,000 रुपए का इनामी था। इसके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे। वहीं पुलिस ने तीसरे आरोपी आशीष परोहा थाना बैकुंठपुर भी पकड़ा, जिसके खिलाफ भी 1,000 का इनाम घोषित था। आरोपी आशीष द्वारा जमानत संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसका अवलेखन कर आरोपी को छोड़ दिया गया। वहीं कमलेश पटेल उर्फ बब्बू निवासी नागौद को पकड़ा गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके एक और शुभम पांडे को भी पकड़ा गया था, उसे भी कोर्ट में पेश किया गया। ये दोनों आदतन अपराधी, इन पर कई मामले दर्ज थे, जिसके चलते पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। साफ तौर से कहा जा सकता है, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों पर खौफ होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत में इस तरीके का खौफ जरा भी नहीं दिखाई दे रहा। इस बारे में हमने सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ का एक अभियान चलाया जा रहा है और जो जिले भर के इनामी बदमाश हैं उनकी सूची जारी की गई है, जिसमें हर थानों के पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस और एसटीएफ की पुलिस ने मिल करके इसमें कार्रवाई किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। एक हैं शुभम पांडे, जिसके ऊपर 1,000 रुपये का इनाम घोषित है, 325 का और 452 का अपराध लंबित था। एक है अमिलेश पटेल, जो कि 457, 380 और एक अन्य 379 के मामले में गोविंदगढ़ थाने से फरार था, जिसमें 4,000 का इनाम घोषित है। एक अन्य आरोपी भी था, राहुल परौहा, जिसको गिरफ्तार करने पर उसने न्यायालय में सरेंडर होने के संबंध में कागजात प्रस्तुत किया, जिससे उसको समझाइश दे के छोड़ दिया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और इनके विरुद्ध लंबित प्रकरण का निकाल हो गया। ये तो लगभग जो शुभम पांडे है 21 का मामला है और अमिलेश के लगभग 2 वर्ष पूर्व का मामला है। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।